बात करेंगे अपनी दूसरी टीम के बारे में, राजस्थान रॉयल्स के बारे में। इतनी अच्छी टीम राजस्थान रॉयल्स की नजर आई थी पिछले सीजन भी, मतलब इस सीजन अगर वो कुछ भी ना करते वो टीम स्ट्रांग थी। सिर्फ और सिर्फ एक ऑलराउंडर का, एक मुझे लगता है कि उनको एक ऑप्शन चाहिए था कि वो नंबर 5-6 वाला जो जी ऑलराउंडर उनका मिसिंग था वो चाहिए था। अदर देन दैट पूरी टीम बहुत अच्छी थी। इनके कुछ पिकअप्स मैं मेंशन कर देती हूँ। होल्डर इन्होंने मेन पिकअप्स में खरीदे में 5.75 CR इनके होल्डर के रहे, क्योंकि इनको एक ऑलराउंडर की जरूरत थी शायद से, इसीलिए ये ज्यादा रेट पे गए हैं। एडम जैम्पा को ले लिया अपने बेस प्राइस पे लिया, काफी काफी अच्छा रहा कि लेग स्पिनर इनके स्क्वाड में ऐड हुए। जो रूट को लिया सुफियान, तो हाँ, उसपे दैट वाज क्या अ सरप्राइज बाय। जो रूट मतलब वाज अ सरप्राइज बाय। है ना, मतलब आप हाँ क्या करोगे बिल्कुल। उनका, आप करेंगे मतलब क्या? देखिए, मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा क्रेज था जो रूट का, और हाँ इस टीम को इंग्लैंड के प्लेयर कुछ पसंद भी हैं। बेन स्टोक्स इनके पास थे एक टाइम पे, लियम लिविंगस्टन थे, बटलर थे, और अब आपके इंग्लैंड के और कौन से प्लेयर थे इनके, इनके पास कई प्लेयर इंग्लैंड के थे जो थोड़े से अननोन प्लेयर थे, वो मुझे भी लग रहा इनकी है आप टीम में इंग्लैंड के थे। प्लेयर सब आरसीबी में जा चुके हैं, अगर आपने नोटिस किया हाँ हो। हाँ 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 तो इंग्लैंड के प्लेयर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा है। मतलब विल जैक्स जैसे प्लेयर जो कि हाँ अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने एक्टिव नहीं है, वो भी आरसीबी में चले गए हैं। जी तो इंग्लैंड के जो ऑस्ट्रेलिया थे इस टाइम व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो इंग्लैंड है। ऑल दो आई डोंट अग्री विद दिस, आई फाइंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स टू बी मच मोर प्रोडक्टिव एंड मच मोर टैलेंटेड देन द इंग्लिश प्लेयर। इनकी थोड़ी हाइप है एंड राइटली सो, बिकॉज अब आप दो टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो, दोनों रेल्स के चैंपियन आप हो, वनडे और T20। तो बट हैविंग सेड दैट, जो रूट को मुझे लगता है जो एड वैड में काम कराने के लिए ही लिया होगा, वरना जी मुझे नहीं लगता कि कोई आपका प्लेइंग 11 में उनको आप खिला पाओगे। बिकॉज आपको क्या चाहिए, बटलर की रिप्लेसमेंट? जो रूट तो नहीं है बटलर की रिप्लेसमेंट, इतना तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगर बटलर को कुछ जी होता है तो आप जो रूट के साथ तो नहीं ही जाओगे, आप किसी और को हाँ देखोगे या बिल्कुल किसी एक्स्ट्रा गेंदबाज को देखोगे, पड्डीकल को शायद आप ऊपर भेज दो। पहले तो वो होप जी करेंगे कि ऐसा ना हो, वरना टीम आधी वहीं खत्म हो जाती है बटलर को अगर कुछ होता है तो। और जी वो कीपिंग भी नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंजरी का इश्यू है, अंटिल अनलेस रोहित जैसा कुछ किसी के साथ हो जाए, दैट इज अनकंट्रोलेबल। लेकिन जो रूट का तो मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों लिया था उनको। जी और सुफियान, इसी के साथ इन्होंने मुरगन अश्विन को भी लिया है 20 लाख रुपयों में लिया है। सबसे पहला तो इनमें स्ट्रेंथ्स जो मुझे नजर आती है, सुफियान आप कितना अग्री करोगे कि इनके जी जो टीम थी वो काफी अच्छी रही, और 13 करोड़ के बजट के साथ ये उतरे थे, और जिस हिसाब से इनके बायज रहे काफी अच्छे जो है इन्होंने मतलब प्राइस पे सब चीजें ले ली। जेसन होल्डर का भी, क्योंकि ऑलराउंडर्स कप की बार काफी बोल बाला था, उस हिसाब से देखा जाए तो जेसन होल्डर भी अगर 5 करोड़ 6 करोड़ का भी रेट लेके चलो तो काफी अच्छे में मिला टीम को। हाँ, तो आपने देखा था जब होल्डर का नाम आया था तो देवर कंपीटिंग विद चेन्नई सुपर किंग्स, और जी चेन्नई सुपर किंग्स वाले आपस में बात करते रह गए, वो ऑक्शनियर को धीरे धीरे हाथ दिखा रहे थे, उन्होंने सोल्ड कर दिया। तो देवर लकी विद जेसन होल्डर, मुझे नहीं लगता था कि 8-9 करोड़ से कम में जेसन होल्डर इनको मिलते। वो CSK जी वहां थोड़ी देर के लिए सो गई, फिर उनको 16 करोड़ खर्च करने पड़े बेन स्टोक्स के लिए, क्योंकि ना उनको जी बेन स्टोक्स की जरूरत थी ना इनको बेन स्टोक्स की जरूरत थी। मैं पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, जो जो हम लोग ने हाँ प्रीव्यू किया था अलग अलग टीम्स का, उसमें हमने बात की थी कि जी वो टीम्स जो बेन स्टोक्स को टॉप ऑर्डर में खिला पाए और जिनको उनकी गेंदबाजी की बहुत ज्यादा जरूरत ना हो, उनके लिए बेन स्टोक्स ठीक थे। तो CSK वर अनलकी कि उनको बेन स्टोक्स मिले वहां पर, जी क्योंकि वो होल्डर पे थोड़ा अब उन्होंने। इनका स्पिन डिपार्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस टाइम पे, कितने विकल्प हैं स्पिन पे, और सब एक से बिल्कुल एक नाम है। मतलब आप अगर युजी चहल का नाम ले तो आंख बंद करके आप उनको स्क्वाड में खिलाओगे, और श्योर अश्विन, रविचंद्रन अश्विन का भी नाम अगर आप ले, अपने में बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और कभी कभी ऐसी बॉलिंग कर जाते हैं कि सामने वाला जो है समझ नहीं पाता है और वो जो है नहीं, विकेट ले आप लेते हैं। उनको, क्योंकि आप सवाई मानसिंह में खेलोगे, वो ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है, वो जी नॉर्मल हमारे वानखेड़े या फिर जैसे लखनऊ का ग्राउंड बड़ा है, अहमदाबाद का बड़ा है, वैसे ही सवाई मानसिंह भी बड़ा है। वहां बहुत मैचेस जी अब होते नहीं है, बट देखना होगा वहां की विकेट कैसी खेलती है। बट रिगार्डलेस, अगर आप बड़े मैदान में खेल रहे हो और कोई लाइन पकड़कर बॉलिंग करने वाला प्लेयर है आपके पास, तो आपको वहां पर काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो RR डिड वेल, दे वर लकी टू डू वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे दे डिड वेल। जी
और इसी के साथ एक और चीज, इनके विकेट कीपिंग के अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो यहाँ पे संजू सैमसन भी हैं, जॉस बटलर भी आते हैं, लेकिन और आपको अगर इंडियन उसमें विकेट कीपिंग में देखा जाए तो कौन सा ऐसा नाम लगता है जो अगर जॉस जिस दिन मतलब अगर ना अवेलेबल हुए या संजू सैमसन का रिप्लेसमेंट अगर देखे जाए तो कौन आ सकता है? ध्रुव आएगा उनकी जगह पे खेलने, उनको मौका मिलेगा एज ए यंगस्टर स्क्वाड में? देखिए, दो विकेट कीपर तो आपकी प्लेइंग 11 में है ही, दोनों एक साथ हाँ अनअवेलेबल हो जाए दैट इज वेरी अनलाइकली, लेकिन आप बिल्कुल बैकअप लेकर के चलना चाहोगे, और इसीलिए इन्होंने दोनोवान फरेरा को अपने टीम में लिया है। दोनोवान फरेरा, जी आई एम हियरिंग रियली गुड थिंग्स अबाउट हिम, 50 लाख में उनको मिल गए, तो दोनोवान फरेरा मुझे लगता है विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको ये लेकर के जाएंगे और उनको लिया ही इस तरीके से। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि काफी करीब से उनको देख रही है राजस्थान रॉयल्स, तो हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर वगैरह के तौर पर भी दिख जाए किसी मैच में। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने टीम अच्छी बनाई है, बस जो रूट का एक बाय मुझे समझ में नहीं आया, शायद आखिरी में पर्स कुछ बचा रह गया होगा तो उन्होंने सोचा होगा चलो 1 करोड़ में उठा लो वरना जो रूट आपके बैकअप नहीं हो सकते जॉस बटलर के। रैसी वंडर हुसैन का ऑप्शन था, 50 लाख महंगे जरूर थे बट लास्ट ईयर इनके पास थे, मुझे लगा उनकी तरफ जरूर देखा जा सकता था, देखना चाहिए था, मतलब बहुत अंडररेटेड प्लेयर है यार वो तो। जी उनको ना साउथ अफ्रीका सही यूटिलाइज करती है ना कोई और टीम सही यूटिलाइज करती है, तो मेरे ख्याल से ही हैज द रेंज, अगर कभी आप उनकी जी बैटिंग देखो तो रेंज बहुत है उनके पास पेस पे, और जब सेट हो जाते हैं तो स्पिन भी अच्छी खेलते हैं, इसी वजह से जी मुझे लगता है ही वो गुड प्लेयर, बट जो रूट थोड़ा सा क्रेज लेकर के आएंगे, स्टीव स्मिथ भी ले सकते थे बट दे वेंट विद जी जो रूट। हाँ, तो इस टीम का ऑफ कोर्स विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट इज वेरी स्ट्रांग, बिकॉज दो विकेट कीपर इनके टीम में है, साथ ही में और भी विकल्प ले चुके हैं ये, ध्रुव अपने इंडियन है और ध्रुव फरेरा जुरेल को भी हैं, ओवरसीज दोनोवान शॉट में ले फरेरा, चुके हैं जी। और इसी के साथ सुफियान ने स्पिन के बारे में डिस्कस किया और इनके विकेट कीपिंग के बारे में डिस्कस किया, जो रूट के बारे में डिस्कशन हुआ कि कैसे हम ये सरप्राइजिंग पिकअप रहे, लेकिन अगर इनकी वीकनेस की बात करें सुफियान, वैसे तो ये बात बहुत बट ऑब्वियस है कि जो इनके टॉप ऑर्डर है वो अपने में अच्छे, बहुत अच्छे नाम है और काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बट ऐसा भी मुझे आप आपकी राय में चाहूंगी इस चीज पे, आपको लगता है कि पोजीशंस बहुत मैटर करती है क्योंकि नंबर 4 जो इनके हैं वो सब ओपनर्स हैं एक तरीके से? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पोजीशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप देखो जो रूट की आप बात कर रहे हो, अब जो रूट को मेरा ऐसा मतलब पर्सनल ओपिनियन है मेरा ये कि अगर जो रूट लगातार T20 क्रिकेट खेलते तो ही वो ही हैज बेटर रेंज देन स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, और एक तो वो खुद ही है Fab 4 के, एंड विराट कोहली इज ऑब्वियसली द नंबर वन, ही हैज मोस्ट रेंज जो भी Fab 4 आपका रहा पिछले 7-8 सालों से, जो भी Fab 4 है, लेकिन जो जी रूट का बैकफुट गेम बहुत स्ट्रांग है। अगर आप उनके कुछ इनिंग्स निकाल करके देखो, जब 2016 के बाद वो कप्तान बने हैं 2018 से मेरे ख्याल में, तब से उन्होंने खेलना छोड़ दिया, और 2018 में ही वॉज द लीडिंग रन स्कोरर फॉर इंग्लैंड, मतलब वर्ल्ड में वनडे के सबसे लीडिंग रन स्कोरर वही थे, सबसे ज्यादा रन वनडे में उन्होंने ही बनाए थे। जी अगर आपको याद हो वह फेमस बैट ड्रॉप सेलिब्रेशन था, फिर विराट कोहली ने टेस्ट में उनका जवाब दिया था आउट करके, बिकॉज कोहली वॉज एट हिज प्राइम इन 2008, और उस टाइम कोहली को बीट करना इन वनडे फॉर्मेट जो कि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट था, दैट वाज अ बिग डील। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रूट अगर रेगुलर खेलते, क्योंकि पहली बात तो वो स्पिन पर उनकी रेंज अच्छी है जब वो सेट हो जाते हैं, और बैकफुट से बहुत शॉर्ट वो लगाते हैं, लेकिन RR में वो बटलर की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते, वो आप उनका चीकी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन वो बटलर के रिप्लेसमेंट अगर आप उनको बोल रहे हो, वो दूर दूर तक बटलर की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर CSK या कोई ऐसी फ्रेंचाइजी जहां स्पिन को थोड़ी मदद मिलती है, या जिनको एक एंकर की जरूरत जी थी जो कि स्पिन अच्छी खेले और थोड़ा सा आपको ऑफ स्पिन करके दे, थोड़ा सा हिटिंग एबिलिटी भी लेकर के, तो जो रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतने खराब प्लेयर नहीं है, जब विलियमसन बिक गए तो वो भी बिक सकते हैं, जब स्टीव स्मिथ T20 खेल जी गए, आई थिंक बिल्कुल, इज और बेटर टी देन ट्वेंटी बोथ। में आके क्या पता एक नई उम्मीद दे टीम को, और यू नेवर नो कौन सा प्लेयर आके निखर जाए और एब्सोल्युटली एक स्लॉट उनके नाम पे भी फिल हो सकता है। लेकिन सुफियान, एक और कंसर्न यहाँ पे एड्रेस होती है कि जहाँ सारे विकल्प आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान जिसके लिए सबसे पागल थी वो था एक ऐसा ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का विकल्प दे। जेसन होल्डर को ऑफकोर्स उन्होंने बाय किया, हैरी ब्रुक्स के पीछे इसलिए भी भागे थे वो, लेकिन जेसन होल्डर नहीं तो कौन?
इनकी एक ये भी कहीं ना कहीं बात देखिए है कि सबसे अगर पहले तो बॉर्डर जो जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी हाँ मैं ये बोल रहा था कि देखिए सबसे पहले तो स्लॉट्स की जो हमने बात की उसमें मैं छोटी सी एक चीज ऐड कर दूं कि देवदत्त पड्डिकल को आप 4 पे नहीं खिला सकते। उनको बहुत कोशिश की थी ट्रेड करने की लेकिन कोई फ्रेंचाइजी रेडी नहीं थी। बिकॉज आप क्यों 7 साढ़े 7 करोड़ किसी पर फंसाओगे जब आपको इस बात की उम्मीद होगी कि शायद मिनी ऑक्शन में आए तो हमको सस्ते में मिल जाए। अगर आपको जी कुछ आपने एनालिसिस की होगी और हम लोग ने भी की थी, जैसे हम लोग को पता था कि ये इतने में जाएगा ये इतने में जाएगा, एक आधा प्लेयर ऊपर नीचे था, तो अगर आप मिनी ऑक्शन में ऑप्शंस बढ़ा देते उसमें पड्डिकल भी आ सकते थे उसमें शाहरुख खान भी आ सकते थे। लास्ट मोमेंट रिटेंशन थी दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, तो पड्डिकल को ट्रेड करने की कोशिश की लेकिन जब नहीं ट्रेड हुआ तो उन्होंने कहा छोड़ो अपने में ही रखते हैं इनको, देखते हैं किस तरीके से यूज किया जा सकता है। क्योंकि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, क्वालिटी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आपको जल्दी मिलता नहीं है, तो आप उनको ओपन से नंबर 4 पर खिलाते हो, दैट इज अ पुअर मूव। उसके बाद आप रियान पराग को जबरदस्ती एक 21-22 साल के फिनिशर को, लड़के को आप जबरदस्ती फिनिशर बना रहे हो। आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे संजू सैमसन, ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि राहुल द्रविड़ ने मेरे को बोला है कि आपको इंडियन टीम की वनडे स्क्वाड जी में एज अ फिनिशर काम करना है। केएल राहुल वनडे में इंडिया के लिए वो काम करते हैं। तो जो आपने रणजी के मैचेस अगर देखो या विजय हजारे के मैचेस देखो, नंबर 4 पर आए थे रियान पराग, 170 रन उन्होंने बना दिए थे। आई मीन दैट इज अ बिग स्कोर। और अगर आप जी यंगस्टर्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने को नहीं दोगे, जो धोनी ने किया था, वो नंबर 3 पर खेलते तो वनडे में 15,000 रन वो जी बना देते, 10,000 रन तो उन्होंने नंबर 6 पे बना दिए बैटिंग करके। तो जी आपने, मेरा मानना है कि अगर आप जायसवाल और बटलर के साथ ओपन कर रहे हो, अगर राइट हैंडर आउट होता है तो आप रियान पराग को भेजो, अगर लेफ्ट हैंडर आउट होता है तो आप पड्डिकल को भेजो, संजू सैमसन खुद को नंबर 5 पर करें, और उसके बाद सिमरन हेटमायर, और जो आपकी क्वेश्चन था जेसन होल्डर का कि कितने रिलायबल ऑप्शन है वो, और अगर जेसन होल्डर नहीं तो कौन, तो इसका जेसन होल्डर नहीं तो फिर कोई नहीं, क्योंकि कोई और है ही नहीं आपके जी, पास। ये इनकी और काफी काफी वीकनेस है कि जेसन हाँ, होल्डर का और रिप्लेसमेंट नहीं है ऑलराउंडर पे। इनको इनको मेरे ख्याल में अब्दुल बासित को ये लेकर के आए हैं, यंगस्टर हैं, बट आप उनको होल्डर से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज होल्डर इज अ सीजंट इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने कंट्री की कप्तानी कर चुके हैं काफी टाइम तक। तो मेरे ख्याल जी में जेसन होल्डर हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, ये 3 बॉलर्स तो आपके रहेंगे ही प्लेइंग 11 में। और जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आएगा वहां पर ये कुलदीप सेन को लेकर के आ सकते हैं, डिफास्ट बॉलर कुलदीप सेन हो गए, या जी नवदीप सैनी को लेकर के आ सकते हैं। तो आपके पास 4 पेसर्स हो गए और 2 क्वालिटी स्पिनर फिर आपकी प्लेइंग 11 में रहेंगे ही रहेंगे, अश्विन और जी चहल। अगर चहल का कुछ इशू होता है तो आप मुरुगुन अश्विन की तरफ भी जा सकते हो, तो 2 अश्विन हो जाएंगे आपकी टीम में, तो उनको भी मेरे ख्याल में रहेगा। और अगर आपने बोला अगर होल्डर को कुछ परेशानी होती है तो फिर होल्डर का ऑप्शन कौन होगा, तो फिर आप ओबेद नकोई की तरफ ही जाओगे, आप फिर ओबेद नकोई को एज एन ओवरसीज बॉलर लेकर के आओगे, और जो आपका इम्पैक्ट प्लेयर का रूल होगा उसमें आप एक्स्ट्रा बैट्समैन लेकर के आओगे, कोई भारतीय खिलाड़ी, क्योंकि ओवरसीज तो 4 आपने ले ही लिए प्लेइंग 11 में, तो आप कोई जी ओवरसीज वो इंडियन प्लेयर लेकर के आओगे और उसको एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल करके अपनी बैटिंग लंबी करने की कोशिश करोगे, बट दे विल होप कि जेसन होल्डर को कुछ हो ना। होना। इसी के साथ सुफियान, आपकी प्लेइंग 11 क्या है? पहले आपसे पूछेंगे, फिर मैं अपनी प्लेइंग 11 बताऊंगी। देखिए इनकी प्लेइंग 11 बनाना तो मेरे ख्याल में सबसे इजी है, क्योंकि इनकी प्लेइंग 11 हाँ, ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि इनके पास प्लेयर नहीं है उस तरीके के जो सिर्फ इनको मेरे रिप्लेसेबल ख्याल से हो। जेसन होल्डर को ऐड करना था, बाकी इनकी प्लेइंग 11 वैसे की बाकी प्लेइंग वैसी ही इलेवन है। रेडी थी, ओबेद नकोई की जगह आपने जेसन होल्डर ऐड कर दिया। कोई कोई मैचेस में पिछले साल ये 3 ओवरसीज के साथ खेले, क्योंकि ऑक्शन में लास्ट मोमेंट पे आपने बाइज की, तो उससे पहले तो बाइज ही नहीं की थी मेगा ऑक्शन में, अगर आपको याद हो, बिल्कुल लास्ट जी मोमेंट पे रैथी वनडे डुसेन को उठा लिया और ओबेद नकोई को उठा लिया, ऐसे परचेज इन्होंने किए थे। तो देखिए इनकी जी प्लेइंग इलेवन इज वेरी इजी, आप जायसवाल बटलर द सेलेक्ट देमसेल्व, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि सैमसन हो गए, हालांकि मेरा मानना यह है कि आपको ऑर्डर में बदलाव करना होगा, तो मैं नंबर 3 पे पर्टिकल के साथ जाऊंगा, नंबर 4 पे रियान पराग होंगे, उसके बाद नंबर 5 पे संजू सैमसन, देन शेबरॉन हेटमायर, देन जेसन होल्डर, उसके बाद अश्विन, उसके बाद बोल्ट, चहल और प्रसिद्ध कृष्णा। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके जो नंबर 9 से ही नंबर 11 शुरू हो जाते हैं, आपके हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा, चहल, बोल्ड, दे ऑल आर नंबर 11, वो नंबर 9 से ही शुरू हो जाते हैं, बट दे विल होप कि नंबर 9 तक बात ही क्यों जा रही है, नंबर 9 तक बात ना जाए, पहले ही नंबर मैच सात खत्म हो जाए। वाले ही आके फायरिंग वाले खत्म कर दे। मेरी हाँ नंबर प्लेइंग सात 11 एज इट इज सेम है सुफियान,
मेरे में भी यही प्लेइंग इलेवन है, लेकिन इसमें एक फर्क है, मैंने अश्विन की जगह कुलदीप यादव को लिया है, क्योंकि मेरा एक ये पर्सनल वो है कि कुलदीप यादव को जरूर खेलना चाहिए, और आगे मतलब केकेआर में भी जब वो थे उनको काफी बेंच किया गया था काफी टाइम के लिए, और अश्विन की जगह अगर उनको मौका मिलेगा, कुलदीप यादव को अपने यूपी के भी हैं तो वो आए खेलें प्लेइंग इलेवन में, पता नहीं है यूपी से होके का सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है या नहीं, क्योंकि ये वो कुलदीप यादव नहीं है, वो तो अच्छा दिल्ली कैपिटल्स में है, ये कुलदीप यादव दूसरे हैं। नहीं, इतना कंफ्यूजन हो चुका है, कुलदीप यादव ये कौन से ये कुलदीप यादव कुलदीप है? यादव है विद एन आई, और वो कुलदीप यादव है विद डबल ई, जो वो तो दिल्ली कैपिटल्स में है। अच्छा मुझे लग रहा था कुलदीप यादव, क्योंकि मैं स्क्वाड नहीं लिख रही नहीं थी तो ये कुलदीप यादव है। नहीं 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 कुलदीप यादव ये दूसरे ओके हैं, ओके, तो फिर और ये केसी कुलदीप यादव करियप्पा की भी जगह इनके हटा पास के हैं मैं अश्विन को ही लूंगी। जी। केसी करियप्पा भी हैं इनके पास, जी वो भी एक थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर है, वो भी अच्छे स्पिनर है, एक टाइम पे बहुत नाम था उनका, उनको इंडिया का सुनील नारायण बताया जा रहा था, केकेआर ही उनको भी लेकर के आई थी, केसी करियप्पा को भी लेकर के आई थी जी कोलकाता नाइट राइडर्स। जी तो उसके बाद एक साल मुझे याद है ये केकेआर से इन्होंने खेला था, और क्रिस गेल ने 3-4 छक्के इनके एक ही ओवर में मार दिए थे, फिर ये कभी केकेआर की जर्सी में खेलते हुए नहीं दिखाई दिए। उसके बाद ये जी पंजाब किंग्स गए, किंग्स इलेवन पंजाब थी तब, वो वहां पर भी ज्यादा चांसेस नहीं मिले, और मेरे ख्याल में वरुण चक्रवर्ती भी पंजाब में ही थे, वहीं से ये चले गए आपके राजस्थान रॉयल्स में, और वो कोलकाता नाइट राइडर्स में आ गए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है केसी करियप्पा को भी, अगर आप चेन्नई की कंडीशंस में खेल रहे हो तो उनको भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आप तीसरे स्पिनर के तौर पर लेकर के आ सकते हो। बस इम्पैक्ट प्लेयर के आने से इस टीम का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, बिकॉज इनके पास सिक्स बॉलर नहीं था, सिक्स बॉलर जी के तौर पर ये रियान पराग को इस्तेमाल करते थे, और इम्पैक्ट प्लेयर जब आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये टीम आपको ज्यादातर एज अ बॉलिंग ऑप्शन ही इम्पैक्ट प्लेयर को लेते हुए दिखाई देगी। तो मेरे ख्याल में कुलदीप सेन हो गए, करियप्पा हो गए, मुरगुन अश्विन, नवदीप सैनी, ये 4-5 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इस टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे। बहुत ही रेयर होना चाहिए, अगर इनकी बैटिंग फ्लॉप होने लगती है तब शायद किसी किसी मैच में आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर कोई बैट्समैन दिख जाए, वरना एट द मोमेंट मुझे ये लगता है कि केसी करियप्पा और इस टाइप के प्लेयर ही आपको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई देंगे इस टीम से। जी तो ये रह चुकी है हम लोगों की प्लेइंग इलेवन। हम लोग जो है, आप सुफियान के चैनल पे भी जाके उनके प्लेइंग इलेवन के प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। मैं भी अपनी प्लेइंग इलेवन आउट करूंगी बहुत जल्दी, और कुलदीप पे काफी ध्यान देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑक्शन की वजह से इतना कंफ्यूजन हो गया है कि कौन सा प्लेयर कहाँ गया है, कहाँ ट्रेड हुआ है। तो इन सब चीजों को नजर रखते हुए सुफियान, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और अपने टाइम देने के लिए। इसी के साथ मैं सारे फैन से कहना चाहती हूँ जो सुफियान के एडेड हैं, जो उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप प्लीज उनके चैनल पे जाइए और उनके प्लेइंग इलेवन देखिए। उन्होंने आपसे पूछा है कि केकेआर का बेस्ट प्लेइंग इलेवन बता दीजिए। सुफियान भाई, आप उनके चैनल पे जाएं, और उन्होंने वीडियोस डालने पोस्टिंग शुरू कर दी है अपने प्लेइंग इलेवन की, आप नहीं, उनके चैनल मैंने पे जाइए। सारे टीम्स का रिव्यू, सारे टीम्स की प्लेइंग इलेवन, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस, एक एक टीम का अलग अलग सब डाल रखा है, जो देखना चाहता है वहां पर जाकर के देख सकता है। यहाँ पर आप वेट करिए जानवी, आप उनको वैभव अरोड़ा का इंटरव्यू कब दिखा रही हैं अपने फैंस को, पहले ये बताइए। मेरे तो खैर कोई फैंसी नहीं है सुफियान, मैं नहीं तो नहीं अभी बस ऐसा वो नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे, है। लेकिन बहुत जल्दी जो है वैभव अरोड़ा का इंटरव्यू आप लोगों के पास आएगा, आपको देखने मिलेगा। वैभव अरोड़ा के बारे में उन्होंने अपने केकेआर के सिलेक्शन के बारे में बताया है, अभिषेक नायर के बारे में बताया, काफी इंसाइडर भी दिए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़े बहुत दिए हैं, और ऐसे इन जनरल केकेआर के बारे में भी बहुत दिए हैं। तो जितने भी यहाँ पे केकेआर के फैंस है, जरूर आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वैभव अरोड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आने जा रहा है बहुत जल्दी। वंडरफुल, तो वेट करेंगे थैंक वैभव यू। अरोड़ा का, और दूसरे प्लेयर्स का भी इंटरव्यू आप जरूर लीजिए अपने चैनल के लिए, एंड वी लव टू बिल्कुल हैव मोर कॉन्वर्सेशंस वेरी सून। थैंक यू फॉर वेरी सुन, हैविंग मी। थैंक यू सुफियान।